हेलो, ध्यान देंगे महिला गैलरी में जितने भी पुरुष वर्ग के ऑडियंस बैठे हैं, खड़े हुए हैं, आप सबों से विशेष अनुरोध, महिला जगह को छोड़ दें तो बेहतर रहेगी, महिला जगह को छोड़ दें तो बेहतर रहेगी। और जितने भी पुरुष वर्ग के ऑडियंस महिला गैलरी में प्रवेश किए हैं, पुरुष वर्ग के दर्शकों से आशा अनुरोध जता शीघ्र महिला जगह को छोड़ दें। और इसके बाद जो मैच रहेगी ध्यान देंगे, मैं सूचना दिलाना चाहूंगा, साइलेंट पावर बठी नगर बनाम देना चाहूंगा इस प्रतियोगिता को शोभा और सफल बनाने के लिए। और अगला मैच जो रहेगी तुरतुंग मस्का लकड़ा डड़बीला बनाम हेलो, ध्यान देंगे इससे पहले जो मैच रही थी कौन सा टीम विजय श्री हासिल की, जता शीघ्र हमारे मुख्यमंच को रिपोर्ट कर दे। उनको और वर्तमान मैच ब्यूटीफुल वंडरफुल मुकाबला चलता हुआ इसे लाडोसई के ग्राउंड में दोनों हिट लिए। अब देखा जाए तो मानोज टीम बनाम आजाद स्तर क्लब सालीबुरु पहला हफ्ते का मैच आगाज हो चुकी है और दोनों दल के खिलाड़ियों को अभी तक कोई सफलता मिली नहीं। मेडिकल जोन के सामने गेंद मंडराती हुई और गेंद चलेगी दर्शक दीर्घा में टच लाइन से बाहर और ट्रोकिक का मौका मिलता हुआ आजाद स्तर सालीबुरु टीम को और मनोज टीम चिन्हने की प्रयास करते हुए दो दो खिलाड़ी को खूबसूरत तरीके से ड्रिबल करने के पश्चात पुनः डिफेंडर के कहने में गेंद जोशेस के चार आजाद स्टार और मनोज टीम के लंबे कद के डिफेंडर गेंद को लंबी लॉन्ग लंजर पास करते रिलीज करते हुए और गेंद इसी समय टच लाइन के सामने मंडराती हुई और पहला फ्री किक का मौका मिलता हुआ आजाद स्टार सालीबुरु टीम को और पहली नजर रखे हुए हैं मुख रेफरी और लंबी लॉन्ग लंजर पास राइट विंगर के लिए पास जसवीर सिंह के साथ रोनाल्डो के पोशाक में मोटे कप के डिफेंडर तैनात गेंद को क्लियरेंस करने की प्रयास और गेंद जा चुकी है महिला गैलरी में टच लाइन से बाहर और जसवीर सिंह के 11 सालीबुरु काउंटर अटैक करने के लिए निकल पड़े थे और सहयोगी रेफरी का झंडा हवा में लहराते हुए और गेंद जा चुकी थी टच लाइन से बाहर। इससे पहले जो मैच रही थी कौन सा टीम थर्ड रन में अपना टीम का नामांकन दर्ज कर चुके हैं, जाता शीघ्र हमारे मुख्य मंच को रिपोर्ट का हुआ साहित्य कलिचरण बोधरा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज भाई लांडोसई के मैदान में आज मैच का अंतिम समारोह समापन दिन सभी ग्रुप बी में जितने भी भाग लिए पार्टिसिपेट लिए सभी तमाम सजन खिलाड़ी प्रेमियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहला राउंड में जितने भी टीम हार का सामना किए हैं मायूस नहीं होने का और अगले साल 2023 में इसी प्रकार हमारे लांडोसई कमेटी फुटबॉल प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और इसी प्रकार हमारे कमेटी को कोऑपरेट करते रहें, सहयोग करते रहें। और गेंद मदरेका के सामने मनोज टीम में दबदबा बनाने की प्रयास करते हुए और आजाद स्टार सालीबुरु और मनोज टीम तेजी गति रफ्तार गति के साथ डेंजर जोन की ओर पहुंच चुके हैं और वापस में चीना चपटी चलता हुआ मानोज टीम आदत स्तर सालीबुरु जर्सी सिंह के चार और चिन्ह में कामयाब गेंद रिफ्लेक्शन होकर गेंद जा चुकी है मैदान से बाहर और त्रौखिक का मौका मिलता हुआ मनोज टीम के खिलाड़ियों को और बहुत ही सुंदर त्रौखिक लेते हुए मनोज टीम
और हेडर के जरिए गेंद को पुनः क्लियरेंस करने की प्रयास और डिफेंडर गेंद को रोकने की प्रयास क्लियरेंस करने की प्रयास और उन्हीं के पैरों से जा टकराई गेंद जा चुकी है गोलरेखा से बाहर। कॉर्नर का मौका मिलता है मनोज टीम को, आधा गोल कहेंगे और पूरा गोल में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। बहुत ही सुंदर शॉट और गेंद ऊपरी मार्क को चूम कर निकल गई गोल रेखा से बाहर और मनोज टीम काफी दबदबा बनाते हुए विपक्ष के ने में सो सोनार की एक लोहार की। साइलेंट पावर बटी नगर बना राने की कृपा करेंगे। दोनों ही टीम उमता हुआ प्रदर्शन दिखाते हुए इस बीच मनोज टीम के कहने में गेंद राइट स्कोरर के लिए पास की गई है, ब्यूटीफुल पास। और मनोज टीम मुख्य डिफेंडर जैसे संख्या 8 के सीने से जट टकराती हुई 10 दबदबा बनाने की प्रयास करते हुए अपील करने की प्रयास और अपील को ना स्वीकारते हुए मुख्य रेफरी और पैरों में जादू चलाते हुए लाजवाब कवरिंग। वाह मनोज टीम टच लाइन के सामने गेंद मंडराती हुई जैसी संख्या 11 सत्या ने गेंद को छीनने में सफल और गेंद दमदार शॉट, गेंद निकल गई मैदान से बाहर सनसनाती हुई। और इस बीच काफी हावी नजर आते हुए आजादी स्टार क्लब सालीबुरु गोलकीक का मौका मिलता हुआ मनोज टीम को। और इसके बाद जो मैच रहेगी बारंबार सूचना दिलाना चाहूंगा क्योंकि आज हमारे शहीद कलीचरण बोधरा मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज बाय लाडू सही के मैदान में जो कि लगभग देखा जाए तो दर्शकों की संख्या काफी तादाद बढ़ती नजर आ रही है। जैसे शाम डलती जाएगी वैसे ही तमाम दर्शकों की संख्या तादाद देखने को मिल सकती है हमारे लाडू सही के मैदान के चारों किनारे। और ब्यूटीफुल ट्रॉकी के सो सुनार की एक लोहार की, सोने में सुहागा शुई में दागा और नापीतुली बड़ा शॉट जर्सी संख्या 8 के द्वारा लिया गया है कमाल की और गेंद ऊपरी मार्क चूम कर निकल गई मैदान से बाहर। और लंबी लॉन्ग लंजर पास करते हुए गेंद मधरेखा के सामने मंडराती हुई आजाद स्टार जर्सी संख्या 3-10 खूबसूरती के साथ ड्रिबल इस्तेमाल करते हुए जिस जगह में नहीं खड़े रहेंगे और नहीं बैठे रहेंगे ध्यान देंगे। महिला गैलरी में प्रवेश करना सख्त मना है, पुरुष वर्ग के दर्शक ध्यान देंगे महिला गैलरी में प्रवेश करना सख्त मना है। और अंतिम चरण पर मौका बनाते हुए ज्यादा स्टार सालीबुरु और सोनारा मौका गोल्डन चांस हब गोल मौका मिलता हो अच्छी क्रॉस डाली है डेंजर जोन में गेंद टपका काई और गेंद लुढ़कती हुई निकल गई मैदान से बाहर। और ध्यान देंगे मैं आप सबों को पल पल की खबर सुनाते रहूंगा इसके बाद जो मैच रहेगी। बिल्कुल ये मैच समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुकी है और हमारे मुख्य रेफरी मिस्टर चोकरो सिंकू जी का अंतिम सीटी कभी भी किसी भी समय बज सकती है। तुरतुंग मस्कलाकर डरबीला बनाम साइलेंट पावर बटी नगर क्वार्टर फाइनल का महामुकाबला खेलने के लिए बिल्कुल रेडी स्थिति पर रहेंगे। दोनों ही टीम अभी तक गोल स्कोर देखा जाए तो खाता नहीं खोले हैं दोस्तों, खाता खोलने के लिए पैसा की जरूरत ना ही आधार कार्ड की जरूरत, जी नहीं भैया इस प्रतियोगिता टूर्नामेंट में बने रहने के लिए गोल की सख्त जरूरी है। और विद्युत ट्रॉकी लेते हुए साथी खिलाड़ी मिडफील्ड 10-6-8 के लिए और सुंदर ट्रॉकी के मनोज टीम की ओर से
टपका टपका खाने के पश्चात गेंद जा चुकी है गोलकीपर के 10 पालों में। लॉन्ग लेंजर पास मधरेखा को पार करते हुए दोनों ही टीम कड़ी मेहनत करते हुए, राइट विंगर कड़ी से कड़ी मेहनत संघर्ष करते हुए वापस में चीन चिपटी जा रही। और ज्यादा स्टार सारी बुरु टच लाइन के सामने दो दो खिलाड़ी को खूबसूरती के साथ ड्रिबल करते हुए और गेंद रिफ्लेक्शन होकर गेंद जा चुकी है मैदान से बाहर। ट्रॉफी का मौका मिलता हुआ विपक्ष दल के खिलाड़ियों को मनोज टीम में दोनों ही टीम वापस में चीना चपटी करते हुए डिसीजन के 20-30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूरी से क्रॉस डाली है। ऑन टारगेट रखना चाहते थे मनोज टीम लंबे कद के मुख डिफेंडर और गेंद तीर की भांति चली गई ऑन टारगेट होकर मैदान से बाहर।